हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये जो वीडियो आपका जेबीका एफएम ब्यूट नंबर 8 ब्यूट एक्सचेंज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जहाँ सबसे पहला पॉइंट है ये, हम लोग पढ़ेंगे जनरल के बारे में। तो जनरल में, जनरल को जो मेन जनरल होता है उसको कई तरह के जनरल में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जनरल में डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेन जनरल होता है आपका, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ जनरल। ठीक है, कई तरह के जनरल आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे बिल्स, रिसीवेबल जनरल हो गया आपका, दूसरा हो गया बिल्स पेबल जनरल हो गया, दूसरा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट का क्या, क्रेडिट मतलब पैसा जहां जमा होता है, बोल सकते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स आर। ठीक है, जो सबसे कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट्स का वो क्या है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। पहला यहाँ हो जाएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट साइंड इन राइटिंग है, चाहे इंस्ट्रूमेंट राइटिंग हो गया, आप बोल सकते हैं एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग हो गया। ठीक है, सॉरी सबसे पहला, सॉरी माफ करिएगा, सबसे कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट में क्या होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब जमा करना। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और दूसरा हो गया प्रोमिसरी नोट। अब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारा पॉइंट लिखते चलिए। तीसरे पॉइंट पाइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित रूप में, हम बोल सकते हैं एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है ये। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसको मेकर साइंड क्या हुआ है, साइंड बाय मेकर। तीसरा हो जाएगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी इसमें अनकंडीशनल कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। चौथा हो जाएगा कि सर्टेन सम ऑफ मनी ही हम इसमें पे करते हैं, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। ये किसी पर्सन के नाम जो होगा इंस्ट्रूमेंट पर रहेगा, चाहे ऑर्डर हो चाहे बिरर हो। अब बोल सकते हैं टू पर्सन, टू ए पर्सन नेम्स इन इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर और बिरर पे बनाया रहता है। ठीक है, सेक्शन 5 जो होता है एनआई एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ठीक है, सेक्शन 5 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो क्या बोलता है, वो बोलता है किसी भी सर्टेन फिक्स्ड फ्यूचर डेट पे या जब डिमांड करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ऑन ए सर्टेन। ठीक है, जैसे चेक के ऊपर डेट लिखा रहता है उसी दिन को मिल जाएगा, उस दिन से 3 महीने तक आपको मिल सकता है, और जब भी प्रेजेंट करेंगे उस 3 महीने आपको कभी भी मिल जाएगा, ऑन ए सर्टेन फिक्स्ड फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। ये सारा पॉइंट्स प्लीज अब अपने कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है,
हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तीन पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो बोल सकते हैं देयर आर थ्री पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। कितने पार्टीज होती हैं? तो तीन पार्टीज होती है। पहला ड्रोअर, ये वो इंसान होता है जो बिल बनाता है, ठीक है। ए पर्सन हु ड्रॉज बिल, हु ड्रॉज द बिल। दूसरा ड्रोई, ये वो इंसान होता है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है। ए पर्सन टू हुम बिल इज ड्रॉन। तीसरा पीई, पीई वो पर्सन होता है जिसको पैसा मिलने वाला है। ए पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी। ठीक है, पांचवा पॉइंट। कई बार ऐसा होता है ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन होते हैं। अब बोल सकते हैं मेनी टाइम्स द ड्रॉअर एंड द पेई मे बी द सेम पर्सन, मे बी द कई बार क्या होता है ड्रॉअर और पेई वो सेम पर्सन होते हैं। समझ में आ गया बात आपको मेरी? ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट इसको आगे लेते चलिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।